हेलो स्टूडेंट्स आज हम लेसन टू अ लेटर टू गॉड के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और इसमें केवल एक ही लॉन्ग क्वेश्चन मैंने दिया है जिसमें पूरी कहानी कवर होती है क्वेश्चन नंबर वन है गिव ब्रीफली द स्टोरी ऑफ अ लेटर टू गॉड ब्रीफली यानी कि छोटे रूप में संक्षिप्त रूप में हमें इस लेसन की कहानी को बताना है और गिव कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो या फिर लेंचो का कैरेक्टर स्केच बताना है कैरेक्टर स्केच मतलब चरित्र चित्रण अब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन चाहे कैरेक्टर स्केच का आए या इस कहानी को पूछा जाए उसमें दोनों में ही या कोई तीसरा क्वेश्चन भी आ जाए तो आपको इसी आंसर को लिख देना है ये आंसर ही इसके सारे आंसर्स के लिए सफिशियंट होगा तो आइए इसको पढ़ते हैं आंसर वन इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर लेंचो एक कठिन मेहनत करने वाला किसान था दैट ईयर हिज फील्ड ऑफ कॉर्न प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट उस साल उसकी फसल ने वादा किया कि वह एक बहुत अच्छी फसल है द ओनली थिंग नीडेड वॉज रेन और केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी बारिश की अब दूसरी हेडिंग है हिज मिस फॉर्च्यून उसका दुर्भाग्य वैन इट स्टार्टेड रेनिंग जब बारिश होने लगी लंचो वॉज हैप्पी लंचो खुश था बट द रेन टर्न इन टू अल स्टोम लेकिन बारिश बदल गई ओलो में ड्यू टू दिस हेल स्टोम इस ओले के कारण हिज क्रॉप वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड उसकी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई एंड नथिंग वॉज लेफ्ट और कुछ भी शेष नहीं बचा नेक्स्ट है थर्ड हैंडिंग हिज फॉर्म बिलीफ इन गॉड उसका दृढ़ विश्वास गॉड में लंचो डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स और रिलेटिव लंचो का कोई मित्र कोई संबंधी नहीं था टू हेल्प हिम उसकी मदद के लिए बट ही है टोटल फेथ इन गॉड लेकिन उसका पूरा विश्वास था ईश्वर में सो टू सीक हेल्प इसीलिए मदद मांगने के लिए फ्रॉम गॉड ईश्वर से ही रोट अ लटर टू हिम उसने उसे एक लेटर लिखा अब है फोर्थ हेडिंग हेल्प फ्रॉम पोस्ट मास्टर पोस्ट मास्टर से मदद द पोस्ट मास्टर रिसीव द लेटर पोस्ट मास्टर ने लेटर को रिसीव किया एंड लाफ्ट एट हिम और उसके ऊपर हंसा सडनली ही रियलाइज्ड अचानक फिर उसे महसूस हुआ हिज प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम के बारे में एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम और उसे उसकी मदद करने की डिसीजन लिया सो ही कलेक्टेड मनी इसलिए उसने पैसा कलेक्ट किया फ्रॉम हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों से एंड ऑल्सो गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी ऑल्सो और अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया बट द मनी वॉज ओनली सेवेंटी पीसॉस लेकिन वो पैसा केवल सत्तर पीसॉस ही बन पाया इसके बाद है हेडिंग फिफ्थ लंचोज एंगर लंचो का गुस्सा वेन लंचो फाउंड ओनली सेवेंटी पीसॉस जब लेंचो को केवल सत्तर पीसॉस ही मिले ही बिकेम एंग्री वह नाराज हो गया ही रोट अ रोटा लेटर टू गॉड उसने गॉड को दूसरा लेटर लिखा एंड सेट और कहा कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स कि डाक खाने वाले जो कर्मचारी हैं वो सब बेईमानों का समूह है ग्रुप है दे हैव स्टोलन द थर्टी पी सॉस उन्होंने तीस पीसॉस चुरा लिए हैं दस द पोस्ट मास्टर डिड हिज बेस्ट टू हेल्प लेंचो इस प्रकार पोस्ट मास्टर ने तो लेंचो की अपनी तरफ से पूरी मदद की बट इन रिटर्न लेकिन बदले में ही गॉट ओनली लेंचोज एंगर उसे केवल लेंचो का गुस्सा ही मिला अब आपका ये आंसर यहाँ कंप्लीट होता है ये एक आंसर इस लेसन के सभी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी है इसी से ही सारे आंसर्स का डिस्क्रिप्शन क्लियर हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर के लिए और उसके क्वेश्चन आंसर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग मैचिंग होगी उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक like करें